गाइज़र, आज हम लॉस सैंटोस के बीच पर आ चुके हैं क्योंकि आपको पता ही है मुझे स्विमिंग नहीं आती और पानी से भी बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो ये अंकल आज हमें स्विमिंग सिखाने वाले हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, आज मैं तुमको स्विमिंग सिखाऊंगा। बच्चे, स्विमिंग करना बहुत ही आसान है, बस तुम्हें पानी के अंदर जाना है, कूदना है और स्विमिंग करनी है। ये लो, स्विमिंग हो गई। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है। रुक जाओ, हम भी जाएंगे पानी में। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बच्चे क्या कर रहे हो, अरे ये तो डूब गया। अरे इतने से पानी में कैसे डूब गए? अरे चलो मेरे साथ, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। पागल? मुझे स्विमिंग ही करनी। अभी क्या पागल आदमी है, ऐसे कौन स्विमिंग सिखाता है? और अभी तक तो सिर्फ पैरों तक पानी बचा था, तुम कैसे डूब गए? अबे तुझे खुद को स्विमिंग नहीं आती, मुझे सिखाएगा? ये ले, निकल यहाँ से। मुझे स्विमिंग नहीं सीखनी, मैं जा रहा हूँ घर पे, बाय बाय। मैं सोच रहा हूँ इतना दूर आई गए तो एक बर्गर भी खा लिया जाए। अंकल फटाफट से एक बर्गर खिला दो, चीज बर्गर। अंकल फटाफट से चीज बर्गर बना दो। मुझे बचाओ, वो मेरे पीछे आ रहा है, वो सारे सिम्बियोट को खत्म करना चाहता है, वो मुझे भी खत्म कर देगा, मुझे किसी की बॉडी में घुसना पड़ेगा, मुझे बचाओ। मेरा नाम है सिम्बियोट किलर, मैं सारे गंदे सिम्बियोट यानी वेनम और कार्नेज को खत्म करता हूँ। कहाँ हो तुम लोग? वो वेनम सिम्बियोट इधर ही आया था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया वो? एक बार वो मुझे मिल जाए मैं उसको खत्म कर दूंगा। मुझे उसकी खुशबू आ रही है, वो इधर ही कहीं पर है। कहाँ है तू वेनम? अरे वो आ रहा है, रुक जाओ, इस लड़के के अंदर घुस जाते हैं। ये क्या हुआ? अरे भाई सर, ये लोग का बर्गर बन गया। मुझे बर्गर नहीं खाना, ये ले, मुझे तेरा ये गंदा सा बर्गर नहीं खाना, निकल जाए यहाँ से। ये क्या हो रहा है, मेरे अंदर इतनी खतरनाक शक्ति कैसे आ गई? ये मैंने क्या किया, ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी बॉडी पे किसी ने कंट्रोल ले लिया है, मैं इतनी तेज कैसे भाग रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बचाओ। अरे गाइज़र, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है? मैं कब से सो रहा हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही, लगता है उठना ही पड़ेगा। मेरी बॉडी थोड़ी अलग अलग लग रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ये मिरर में कौन है? ये तो मैं ही हूँ। अरे ये क्या, ये मुझे क्या हो गया? अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, मैं ये क्या बन चुका हूँ? अरे ये क्या चीज है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। अंदर? कौन अंदर है, कौन है? मैं हूँ वेनम सिम्बियोट और मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस चुका हूँ। अरे मेरी बॉडी में क्यों घुस गए, मैंने क्या किया? फ्रैंकलिन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं एक सिम्बियोट से एक खतरनाक वेनम बनना चाहता हूँ और उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरे पर मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो सिम्बियोट किलर मुझे मारने आएगा और साथ में तुम्हें भी मार देगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ। क्या, अब वो कौन है? वो एक बहुत ही खतरनाक किलर है जो कि सारे सिम्बियोट्स को मारता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी खतरनाक वेनम बनने में। अरे गाइस, यार ये सुबह सुबह कौन सी परेशानी मोल ले ली, अब इसकी मुझे मदद करनी पड़ेगी खतरनाक सा वेनम बनने के लिए। हाँ फ्रैंकलिन, चलो अपग्रेड होते हैं। अरे वेनम, हम लोग अपग्रेड कैसे होंगे? मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन, अगर हमें अपग्रेड होना है तो हमें अच्छे अच्छे काम करने होंगे, जितने अच्छे काम करेंगे उतना अपग्रेड होंगे। क्या वेनम और अच्छे काम? मैं बाकी के वेनम जैसा नहीं हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, कोई अच्छा काम ढूंढो। अच्छा काम इधर कहाँ मिलेगा? अरे मेरे बेटे, चुप हो जा मेरे बेटे। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे चाचा क्या हो गया? अरे देखो ना, मेरा बेटा रोए जा रहा है। अरे बच्चे क्या हो गया? मुझे छुपन छुपाई खेलना है। मेरे बेटे को छुपन छुपाई खेलना है। अरे तो इसमें रोने का क्या है, जाके खेलो ना। नहीं बच्चे, मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अब भाग नहीं सकता, चलने फिरने में मुझे बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं अपने बच्चे के साथ नहीं खेल पाता। मुझे छुपन छुपाई खेलना है। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे बच्चे के साथ छुपन छुपाई खेलोगे। क्या मैं? अरे मैं नहीं, मुझे तो अच्छा काम करना है, इन सब का मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बच्चों के साथ खेलना भी अच्छा काम होता है। अरे हाँ बहुत तो सही है। अच्छा ठीक है, मैं इसके साथ खेलूंगा। बच्चे तैयार हो जा, हम दोनों हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेलने वाले हैं। क्या सही में आप मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगे?
हाँ हम खेलेंगे। आप 50 तक गिनती करो, मैं जाकर छुप जाता हूँ, बहुत ही मजे आएंगे। तो काइजर अभी हम इस बच्चे के साथ खेलने वाले हैं छुपन छुपाई, हमारा अच्छा काम भी हो जाएगा और ये बच्चा रोना भी बंद हो जाएगा। चलो फटाफट से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। बच्चे छुप जाना। अरे आप टेंशन मत लो, मैं बहुत ही अच्छी जगह छुपूंगा, आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। आ रहा हूँ मैं बच्चे तुझे ढूंढने, इसको तो मैं सूंघ सूंघ के ही पता कर लूंगा कि ये कहाँ पर गया है, क्योंकि मेरे पास वेनम की पावर्स है। चलो फटाफट से उस बच्चे को ढूंढते हैं और फिर हम अपग्रेड होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है बच्चों के साथ खेलना। तो फटाफट से उसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ से उसकी खुशबू आ रही है बहुत ही ज्यादा, इस दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो गाइस अगर आपको पता है वो बच्चा कहाँ पर है तो फटाफट से हमें कमेंट करके बता दो, और अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ आपको कमेंट लिखना है वेनम अपग्रेड, ताकि हम जल्दी जल्दी अपग्रेड हो सके। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो फटाफट से उस बच्चे को ढूंढते हैं। बच्चे आ रहा हूँ मैं, यहाँ हूँ। रुक जो, वहाँ से आवाज आ रही है, जल्दी से बच्चे के पास चलते हैं। अब बच्चे तो नहीं बचने वाला, कहाँ पर है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बच्चे तू जहाँ पर भी है, ज्यादा देर तू बचने वाला, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा। कहाँ गया ये? अगर कैसर अभी आपको वो दिख रहा है तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, ये मुझे तो दिख ही नहीं रहा, पानी में तो नहीं है। रुक जाओ, पानी में ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गया बच्चे। ये तो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं और वापस से जाके पार्क में खड़े हो जाते हैं, ये मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे ये। अरे काइजर ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला हाइड एंड सीक में, यहाँ पर तो मुझे कहीं पर मिल नहीं रहा। अगर आपको पता है तो बताना मत भूलना यार, मुझे मिल नहीं रहा। और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे अभी के अभी तो मुझे एक हिंट मिलने वाला, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे एक हिंट ही मिल जाए, कम से कम मैं उस बच्चे को ढूंढ सकूं। पता नहीं कहाँ चला गया, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। कहाँ गया बच्चे, कहाँ गया? रुक जाओ, इधर से आओ जी, काय, ए बच्चे इधर तो नहीं है कुत्ता यहाँ पे, तो बच्चे मैं तुझे ढूंढ लूंगा। अरे चाचा आपका बच्चा कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्या नहीं बताऊंगा, अरे बच्चे कहाँ पर है, तू बाहर आ जा। अरे काय सर, मुझे उस बच्चे को कैसे भी करके ढूंढना ही पड़ेगा, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। अरे बच्चे कहाँ गया, कहाँ जा सकता है ये इतना छोटा सा बच्चा, मेरे से नहीं मिल रहा, मैं हार मानता हूँ। बच्चे बाहर आ जा, मैं हार मानता हूँ। अरे तुम तो मेरे पोते को नहीं ढूंढ पाए। अंकल आप हार मानते हो क्या? हाँ मैं हार मानता हूँ, बाहर आ जा। अंकल मैं आ गया, आप मुझे नहीं पकड़ पाए, मैं जीत गया। हाँ बच्चे तू जीत गया, मैं हार गया, तेरे साथ छुपन छुपाई खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बच्चे की मदद करी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अंकल कोई बात नहीं, तू कहे सर, हमने अपना सबसे पहला अच्छा काम कर दिया है, और क्या अब हम अपग्रेड हो पाएंगे? जी हाँ, हम लोग यहाँ पर अपग्रेड हो चुके हैं खतरनाक से लेडी वेनम में। अबे ये क्या कर दिया वेनम के बच्चे, तूने तो मुझे लड़की बना डाला। तो कहे सर अभी हम अपग्रेड हो चुके हैं एक लेडी वेनम में, पर हमें और भी ज्यादा खतरनाक बनना है, क्योंकि वो सिम्बियोट किलर सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसको हराने के लिए हमें दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट में लिखना है वेनम ओपी, जल्दी जल्दी कर दो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हम दुनिया के सबसे खतरनाक वेनम नहीं बन पाएंगे। तो फटाफट से कमेंट कर देना वेनम ओपी, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट से लाइक कर दो अगर आप चाहते हो मैं उस खतरनाक से सिम्बियोट किलर को हरा दूं। और सब्सक्राइब कर देना नहीं किया, रोज रोज वीडियो आती है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अपन चलते हैं अपग्रेड होने। तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। इस चैलेंज में तुम्हें मिलेगा बर्गर, और इस बर्गर से तुम होगे अपग्रेड। पर मेरे पास सिर्फ दो बर्गर है, इनमें से कोई एक ही बर्गर है जो कि तुम्हें अपग्रेड करेगा, और हमारे पास है तीन तीन कंटेस्टेंट। तो ये बर्गर चूज किसको करने को मिलेगा, उसके लिए हमें ये वाला चैलेंज करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी गाड़ियाँ चूज करके जानी है, और इस रोड पर चलाना है। ये रोड बिल्कुल सीधा सीधा जाने वाला है, जो भी सबसे ज्यादा पॉइंट पहुंचेगा वो ये जीतने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लैक पैंथर। मैं हूँ ब्लैक पैंथर, ई बॉम्बे वकांडा फॉरएवर। मैं ये खतरनाक सी पुलिस की गाड़ी लेकर आया हूँ, देखो अभी मैं जाता हूँ
कितना ऊपर मैं जाऊंगा। और ये ब्लैक पैंथर ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ये क्या, ये तो 08 पर ही नीचे गिर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वकांडा फॉरएवर की जय हो। ब्लैक पैंथर तो कुछ नहीं कर पाए, देखते हैं बैटमैन क्या कर पाता है। और हाँ, आज बैटमैन का मौन व्रत है तो वो कुछ बोलने नहीं वाले। चलो देखते हैं हमारे बैटमैन क्या करने वाले। वाव, इनकी गाड़ी में तो बूस्टर भी है। और ये क्या, इन्होंने तो पूरा का पूरा चैलेंज ही कंप्लीट कर डाला। तो बैटमैन का स्कोर है 15, यानी जो इसका आज का हाई स्कोर है 15। अरे यार ये तो चीटिंग है, उसकी गाड़ी में तो बूस्टर थे और वो चढ़ गया, मैं कैसे चढ़ूंगा। चलो चलते हैं। अब बारी इस वेनम की। एक सेकंड, तुम लड़का हो या लड़की? अरे मैं लड़का हूँ। तो जाओ फिर करके दिखाओ। चलो काइजर। तो चलो काइजर फटाफट से अपनी गाड़ी को चढ़ा लेते हैं इस रोड पे, देखते हैं हम कहाँ तक जाने वाले। बैटमैन ने तो पूरा का पूरा रोड ही कंप्लीट कर, पूरा का पूरा रोड ही कंप्लीट कर दिया था। मैं भी कंप्लीट करूंगा 15। मैं 15 के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका हूं, अब बस इसको क्रॉस करना है। चल मेरी गाड़ी, टिक टिक टिक। और ये क्या, तो काइजर आप देख सकते हो हमने ये चैलेंज पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। मतलब बैटमैन भी 15 तक पहुंचा था और हम भी 15 तक पहुंचे। और बैटमैन के पास बूस्टर थे, हमारे पास बूस्टर नहीं थे, फिर भी हम पहुंच गए। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि दो चले 15 तक पहुंच जाएंगे, पर बहुत बढ़िया, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। अरे पर अब क्या करेंगे, एक बर्गर से अपग्रेडूंगे और एक बर्गर से कुछ नहीं। मुझे पता है क्या करना है, बैटमैन बहुत ही ज्यादा ऊपर गया था, 15 के भी बहुत ऊपर, इसलिए बैटमैन चूज करेगा। अरे ये क्या बात हुई, बात तो 15 तक जाने की हुई थी। मेरा चैलेंज है मैं कुछ भी करूं, जाओ बैटमैन। अरे काइजर ये तो चीटिंग है, ये बैटमैन तो कुछ भी चूज कर सकता है, पर देखते हैं क्या चूज करेगा। एक तो इसका मौन व्रत है, कुछ बोल भी नहीं रहा। गोल्ड की डायमंड। और इसने ये चूज कर लिया डायमंड। इसका मतलब वेनम तुम्हारा गोल्ड, बैटमैन का डायमंड, अब दोनों जल्दी जल्दी खा लो और देखते हैं कौन अपग्रेड होता है। और काइजर ये क्या, बैटमैन ने तो बर्गर खा लिया, उसको कुछ नहीं हुआ, वो अपग्रेड भी नहीं हुआ। इसका मतलब तो इसी बर्गर में अपग्रेड होने वाला हूँ, फटाफट से इसको खा लेते हैं। अम नम 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 नम। और काइजर अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ। वो गोल्ड बर्गर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और यहाँ पर मैं एक खतरनाक सा वेनम बस्टर बन चुका हूँ। जो आयरन मैन का हल्क बस्टर था ना वो, पर वेनम एडिशन, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब मैं इसमें कितना भी ऊपर जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 15 क्या, मैं तो 1500 क्रॉस कर दूंगा। तो काइजर हम तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पर अपग्रेड हो गए। पर काइजर ये भी काफी नहीं है उस खतरनाक से सिम्बियोट किलर को हराने के लिए, उसके लिए हमें और भी ज्यादा खतरनाक बनना पड़ेगा, उसके लिए अपग्रेड होना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से अपग्रेड होते हैं। और काइजर अभी तक आपने कमेंट में वेनम ओपी नहीं लिखा तो फटाफट से लिख दो, क्योंकि हमें उस सिम्बियोट को हराना है और उसके लिए आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा वेनम ओपी। फटाफट से कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम एक बन चुके हैं वेनम बस्टर। तो काइजर हम आ चुके हैं वापस से अपग्रेड होने अपने घर पर, मतलब मैं अपने घर पर अपग्रेड हो सकता हूँ, ये तो मैं भूल गया था, क्योंकि हमारे पास है अपना खुद का ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड। और ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड का यूज करके हम अभी अपग्रेड होने वाले हैं, अपने आप को एक खतरनाक से वेनम में अपग्रेड करेंगे, वो भी ड्रॉइंग करके। हमें बस उस वेनम की ड्रॉइंग बनानी पड़ेगी और फिर हम अपग्रेड होने वाले हैं। चलो फटाफट से बनाते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस खतरनाक से ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर, और इस पर हमें कुछ ऐसा बनाना जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा हो। तो ऐसा बनाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइडिया। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फेस, क्योंकि फेस बहुत ही जरूरी है, तो फेस यहाँ पर बना लेते हैं। ये बन गया इसका फेस, अब इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लेफ्ट से हम इसकी बॉडी बनाएंगे खतरनाक वेनम जैसी। अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। इसके फटाफट से वेनम जैसी बॉडी बना देंगे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और ये इसकी लेफ्ट की बॉडी तो बन गई, और ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड तो बन चुका है। अब इस साइड वाली बॉडी बनेगी एक और अलग सुपर हीरो की, देखते हैं आप सब में से कौन गैस कर पाएगा। फटाफट से कमेंट करके बता देना अगर आपको
पता चल जाए कि मैं किसकी बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो फटाफट से इसको भी अपन हाथ दे देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 और इसकी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो कैसर एक हाथ है वेनम जैसा और एक हाथ है दूसरे सुपरहीरो जैसा, थोड़ी देर आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर अभी इनकी बाकी की बॉडी बना लेते हैं, यहाँ पर इसकी बॉडी यहाँ पर लेकर जाएंगे और इसकी भी यहाँ पर लेकर यहाँ पर अपन एंड करेंगे। और कैसर ये वेनम की बॉडी आपको पता ही है, कुछ भी अलग कलर होता नहीं है, सेम नॉर्मल बॉडी होती है। पैर भी बन जाएगा इसका और ये हमने खतरनाक सा पैर बना दिया। पर इस साइड की जो बॉडी होने वाली है वो कुछ अलग होने वाली है। इसका है यहाँ पर एक चड्डी जो की है फटी हुई और ये चड्डी है आधी यहाँ पे, तो चड्डी हमने यहाँ पर बना दी और इसका बाकी का पैर भी बना देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी चड्डी बन चुकी है, इसके पैर बन चुके हैं दोनों के दोनों। अब इसके अंदर की बीच की बॉडी बनाते हैं और गाइस यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिवाइड होने वाला है, आधी होगी वेनम की बॉडी और आधी होगी दूसरे एवेंजर दूसरे सुपर हीरो की बॉडी। तो इसको हमने बीच में से डिवाइड कर दिया है और वेनम के आपके पता है यहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर बना हुआ होता है, तो वही स्पाइडर हम इसके बनाने वाले हैं। तो फटाफट से उसको बना लेते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लेकर जाएंगे। और गाइजर ये स्पाइडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ऑब्वियसली ये वेनम की बॉडी में तो खतरनाक तो होगा ही, तो फटाफट से स्पाइडर को बना देते हैं ताकि ये बहुत ही पावरफुल और खतरनाक लगने लग जाए एकदम वेनम के जैसा। और ये यहाँ पर हमारा स्पाइडर हो गया डन। तो लेफ्ट साइड में हमारे वेनम का स्पाइडर बन चुका है। अब यहाँ पर हम वेनम का मुंह बनाने वाले, मुंह भी आधा ही बनेगा, तो यहाँ पर सिर्फ वेनम का आधा मुंह बनाने वाले। तो यहाँ पर बन गया ये वेनम का आधा मुंह जिसमें होने वाले खतरनाक दांत, वो भी आधे आधे, और यहाँ पर भी दांत लगा देते हैं। और अब यहाँ पर हम वेनम की आग भी बनाने वाले। वेनम की आग आपको बताइए कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, सिर्फ एक आग बनेगी क्योंकि दूसरी आग किसी दूसरे सुपर हीरो की। तो अब बारी दूसरे सुपर हीरो की। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर थोड़े बाल बनाने वाले, तो उसके बाल भी है। और यहाँ पर उस सुपर हीरो की आग हम बनाएंगे, ये उसकी बन गई आईब्रो और ये बन गई उसकी आग, ये नॉर्मल इंसान जैसी आंख है। और यहाँ पर उसकी नाक भी होने वाली है और यहाँ पर इसका छोटा सा मुंह, मतलब ये ज्यादा इसके दांत वात नहीं है, बस ये ढंग से स्माइल करता है। चलो गाइस यार ये अब यहाँ पर डन हो चुका है। और इसके एब्स भी, तो हम यहाँ पर इसको एब्स भी देने वाले, वो भी आधे आधे क्योंकि आधे उस बॉडी पे होते हैं, तो आधे एब्स हमने इधर दे दिए। तो गाइस यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, अगर आप सभी ने गैस कर लिया है तो फटाफट से कमेंट कर दो क्या नाम है इसका और हम इसके अंदर कलर करना बस शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रे, डार्क ग्रे वेनम के लिए। तो सबसे पहले लेंगे हम ब्लैक कलर वेनम के लिए, इसकी आधी बॉडी में पूरा का पूरा ब्लैक कर देंगे। वेनम ज्यादा कलर होता नहीं, ब्लैक ही ब्लैक होता है, तो सारा का सारा ब्लैक कर दिया। इसके मुंह के जो दांत है उसमें हम थोड़ा रेड कलर मिक्स करेंगे यहाँ पर ताकि ये खतरनाक लगे। और ये स्पाइडर के लोगों में तो होता ही व्हाइट कलर है, और थोड़ा ग्रे कलर लेके यहाँ पर कर देंगे। अब बारी इस वाले सुपर हीरो की। तो गाइस जिसने गेस किया था हल्क, वो है बिल्कुल सही क्योंकि ये हमारा खतरनाक सा हल्क है। अब इसमें लाइट कलर किया जाए कि डार्क ग्रीन ज्यादा अच्छा लग रहा है, डार्क ग्रीन अमन कर यहाँ पर कर देते हैं। और ब्लैक कलर लेके इसके बालों में, नहीं ग्रे कलर लेके इसके बालों में कर देंगे, इसकी आंखों में भी, और इसकी चड्डी में हम करेंगे पर्पल कलर। और गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है अभी से, एक खतरनाक सा वेनम और एक खतरनाक सा हल्क, दोनों का मिक्सचर यहाँ पर होने वाला है। और इनकी हम पावर भी बढ़ाने वाले, POWER पावर इनटू 1000 ताकि इनकी पावर हो जाए बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और ये हमारी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इसको रियल लाइफ में लाते हैं और ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। हल्क और वेनम का कॉम्बिनेशन ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। इसकी पावर्स थोड़ी टेस्ट करी जाए। यहाँ पर कुछ गुंडे लोग हैं, इनसे अभी हम लड़ने आ चुके हैं। हेलो अंकल, ये लो यहाँ से बाहर निकलो, अबे तेरी तो इधर आ, ये निकल यहाँ से। इन सबको तो मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से मार सकता हूँ। ये ले, इनका सिर्फ ये एक ही जना बच्चा जो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है, इधर आ, इसको हम थोड़ा घुमा के लाते हैं। तो गाइस इसको फटाफट से घुमाते हैं, जब तक आप कमेंट कर दो वेनम हल्क ओपी, जल्दी जल्दी कमेंट कर देना। और ये भी हो गया यहाँ पर खत्म। तो गाइस इसको तो हमने खत्म कर दिया। अब बारी है एक और बार और आखिरी बार अपग्रेड होने की। इस बार हम अपग्रेड होंगे खतरनाक से दुनिया के सबसे पावरफुल खतरनाक वेनम में, जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि वो सही में बहुत ही खतरनाक होने वाला। चलो फटाफट से चलते हैं, अपग्रेड होते हैं, उसके बाद हम उस सिम्बियोट किलर को हराएंगे, मारेंगे और खत्म करेंगे। चलो फटाफट चलते हैं। तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। इस चैलेंज में मैं तुमको
ऐसा अपग्रेड करूंगा, ऐसा अपग्रेड करूंगा कि मजा आ जाएगा। पर उसके लिए तुम्हें ये खतरनाक सा चैलेंज जीतना होगा। इस चैलेंज में अपनी अपनी गाड़ी उठाओ और निकल चलो। इस खतरनाक चैलेंज को कंप्लीट करने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी। तुम सबको उसको कंप्लीट करके गाड़ियां चेंज करते करते जाना है फिनिशिंग लाइन पर, और जो भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा वो ये चैलेंज जीतेगा। जो भी सबसे पहले इस यॉट पर पहुंचेगा, तुम दोनों में से जो भी इस यॉट पर पहुंच गया वो अपग्रेड होगा। चलो चैलेंज शुरू करते हैं। अरे कैसर, ये चैलेंज तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए चैलेंज तो बहुत ईजी है। मैं अभी जाऊंगा और इस चैलेंज को कम्प्लीट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जा रहे हैं हमारे कैप्टन अमेरिका। देखते हैं क्या ये चैलेंज कंप्लीट करेंगे या ये हारेंगे, वो भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। मैं तो ये चैलेंज जीत के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये यहाँ से मैं खतरनाक सा जंप करूंगा। और कैसर भी आप देख सकते हो, ये कैप्टन अमेरिका तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइक चला रहा है। पर कैसर, सिर्फ अच्छी बाइक चलाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आगे जाके सारी की सारी व्हीकल्स भी चेंज होने वाली है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये कैसी गाड़ी ले ली, इतनी सारी सुपर कार, इतनी ज्यादा एसयूवी, ऑफरोड, सारी की सारी गाड़ियां पड़ी थी, पर इसने ये खट्टी चरसी फट्टी चरसी गाड़ी ले ली है। देखते हैं ये क्या करने वाला है। इस फट्टी चरसी गाड़ी में मैं जीत के दिखाऊंगा फ्रैंकलिन। अरे हाँ, देखते देखते तो कैसर, आपको लगता है कैप्टन अमेरिका जीत सकता है तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसर, अगर आप चाहते हो मैं ये चैलेंज जीत जाऊं तो फटाफट से कमेंट में लिख दो गुड लक वेनम, और वीडियो को भी लाइक कर देते, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से गुड लक बढ़ जाता है। और अगर आप चाहते हो कैप्टन अमेरिका जीत तो फटाफट से गुड लक कैप्टन अमेरिका लिख देना, पर मुझे नहीं लगता ये जीत पाएगा। अब तो मैं जीत के दिखाऊंगा फ्रैंकलिन, तुम देख लेना, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये चला, ये क्या हो गया? और ये कैप्टन अमेरिका तो जा रहा है सीधा नीचे, और ये होता है डिस्क्वालीफाई। तो कैसर, कैप्टन अमेरिका तो डिस्क्वालीफाई हो गया, अब बारी आ चुकी है मेरी। मुझे कैसे भी करके ये चैलेंज जीतना है। कैप्टन अमेरिका को बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, पर मैं इस चैलेंज को जीत के रहूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको तो पता है गुड लक बहुत ही ज्यादा उससे बढ़ जाता है। और एक बार मैं ये चैलेंज जीत जाऊं, फिर मैं एक ऐसा वेनम बन जाऊंगा कि मैं उस खतरनाक से सीरियल, उस खतरनाक से सिम्बियोट किलर को मार दूंगा। तो चलो फटाफट से खुदा दे अपनी गाड़ी और इस चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाते हैं। यहाँ से बन जाएंगे शॉर्टकट लेके, यहाँ से सीधा नीचे उतर जाते हैं, यहाँ से एक बढ़िया सा अपनी बाइक पर जंप करेंगे, फिर अपन गाड़ियां चेंज करने आ चुके हैं। और मैं तो कोई सुपर कार लेने वाला हूँ, उसकी तरह कोई ऐसे आलतू फालतू कार नहीं लेने वाला, ये वाली कार मैं लेने वाला हूँ। और इस कार के अंदर मैं ढंग से आने भी नहीं वाला, पर कोई बात नहीं, इसको फटाफट से लेकर चलते हैं और ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करते हैं। कैप्टन अमेरिका ने ये भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं भी नहीं करने वाला। आपको क्या लगा था मैं कंप्लीट करूंगा? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। क्या हमारे पास शॉर्टकट, तो हम शॉर्टकट लेके सीधा चलेंगे और यहाँ पर चलते हैं फटाफट से अपनी खतरनाक सी कार में और इस चैलेंज को कंप्लीट करके रहेंगे। चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी गाड़ी होएगी स्लो। और गाइस यार, यहाँ पर एक कैप्टन अमेरिका नीचे गिरा था, तो मुझे नीचे नहीं गिरना, बस मुझे ढंग से लैंड करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, हम यहाँ से कभी भी नीचे गिर सकते थे, पर मैं यहाँ पर बच चुका हूँ। तो फटाफट से अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। कैप्टन अमेरिका तो यहाँ पर भी नहीं पहुंच पाया था, पर हम पहुंच चुके हैं और इस चैलेंज को भी हम पूरा का पूरा कंप्लीट करके रहेंगे। याद रखना, हमें उस यॉट तक कैसे भी करके पहुंचना है और हम पहुंच के रहेंगे। शॉर्टकट लेके यहाँ से जाएंगे और ये आखिरी जंप अपना आ चुका है। यहाँ पर एक खतरनाक सा रैंप है, यहाँ से हमें खतरनाक सा जंप करना है, उस टायर के बीच में से निकल के सीधा यॉट पर लैंड करना है। चलो फटाफट से कूदा दे अपनी गाड़ी को और देखते हैं क्या हम लैंड कर पाएंगे उस यॉट पे। और ये गाड़ी तो मेरी सीधा यॉट पर ही जा रही है। ये क्या, मुझे लगता है मैं सीधा गाड़ी के साथ ही लैंड कर लूंगा। और ये क्या बढ़िया लैंडिंग नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, कैसे भी करके यॉट तक पहुंचना था तो हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं हमारी खतरनाक सी यॉट पे और अब हम होंगे अपग्रेड। बहुत बढ़िया वेनम हल्क फ्रैंकलिन, तुम होने वाले हो अपग्रेड। तैयार हो जाओ।
तो कैसर अभी आप देख सकते हो हम लोग अपग्रेड होने वाले हैं। और कैसर अभी आप देख सकते हो हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं और ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसकी छाती के ऊपर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हल्की मुंडी है, मतलब उनकी पावर्स 6 हल्क और एक खतरनाक से वेनम की पावर्स हमारे पास आ चुकी है। और इस सबमरीन को उठा के हम फेंक भी सकते हैं, हमारे पास बहुत ही खतरनाक शक्ति आ चुकी है। अब मैं उस सिम्बियोट किलर को नहीं छोड़ने वाला। सिम्बियोट किलर आ रहा हूं मैं, सिम्बियोट किलर मैं आ चुका हूं तुझे खत्म करने। मुझे नहीं लगा था ये वेनम का छोटा पित्ती सिम्बियोट इतना खतरनाक हो जाएगा। हाँ मैं इतना खतरनाक हो चुका हूँ और मैं तुझे खत्म भी करने वाला हूँ। ये तो मेरे सामने बहुत ही छोटा है, तेरी तो ये ले। तू मुझे मारेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले वेनम। अरे तो बुरा मान गया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे ऐसे कैसे खत्म कर देगा, मैं क्या यहाँ पे तुझे देखने आया हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तो क्वाइजर इस सिम्बियोट किलर को अगर आप चाहते हो कि हम जल्दी से जल्दी मार दे, फटाफट से कमेंट में लिखो सिम्बियोट को मार दो, जल्दी जल्दी सिम्बियोट को मार दो कमेंट लिखो, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर जाए। इस सिम्बियोट किलर की ऐसे की तैसे इधर कहाँ जा रहा है, निकल यहाँ से। तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे मार दोगे, मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं तुमसे बहुत पावरफुल हूँ। वो तो भी पता चल ही जाएगा कौन है पावरफुल और कौन है पिद्दी। कहाँ जा रहा है, एक तो ये इधर उधर कूद कूद के क्यों मार रहा है। तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे, लगता है इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा। अबे इधर आ, इधर आ, इसको फटाफट से पकड़ते हैं और यहाँ पर नीचे फोड़ेंगे। ये ले, इसकी तो ऐसी की तैसी, इसको मैं खत्म करके रहूंगा, जब तक मारता रहूंगा, जब तक ये मर नहीं जाता। रुक जा, रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो। अबे तेरी, पुलिस वालों को क्यों मार रहे हैं, इसको पहले मारते हैं, अब इसको मारेंगे। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, ठीक है, तुम सबसे खतरनाक, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो, कब से परेशान कर रहा है, कब से मारे जा रहा है, इसको तो मैं नदी में फेंक के आऊंगा, चल मेरे साथ और सीधा जाएगा ये पानी के अंदर। तो कैसे इसी के साथ हमने इस खतरनाक से सिम्बियोट किलर की तो पूरी चटनी बना दी। अब हमारे सामने ये बहुत ही कमजोर हो चुका है, हम दुनिया के सबसे खतरनाक वेनम बन चुके हैं। मेरे अंदर 5-5 हल्क और एक खतरनाक से वेनम की शक्ति। अरे पुलिस वालों तुम क्यों परेशान कर रहे हो। अरे कैसर मेरे पीछे तो अभी पुलिस पड़ चुकी है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आप भी फटाफट से जाओ। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के लिए डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके ज्वाइन फॉलो कर लो, वहां बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और कैसर मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।